बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत एक बार फिर अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया जा रहा है कि चेस्ट पेन के चलते मशहूर अभिनेता को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया के मुताबिक उनको सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत है। दिलीप कुमार को 2 अगस्त को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके रक्त में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण उनको काफी कमजोरी हो गई। चिकित्सक इस बात को लेकर चिंतित थे कि दिलीप कुमार को डायलिसिस पर रखना पड़ सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दिलीप कुमार का इलाज हृदय रोग विशेषज्ञ नितिन गोखले और किडनी रोग विशेषज्ञ अरुण शाह की टीम की देखरेख में काफी अच्छे से हो रहा है। लीलावती अस्पताल के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन अजय पांडे ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दिलीप कुमार रूटीन चेकअप के लिए हैं। उन्होंने कहा उनकी हालत में पहले से अच्छा सुधार आया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दिलीप कुमार को अप्रैल में भी अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। उनके सीने में हल्का सा इन्फेक्शन की बात सामने आई थी। दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला थी, जो साल 1988 में रिलीज हुई थी। उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान उनको दिया गया था। देवदास, मुगले आजम और कर्मा जैसी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय के लिए लोकप्रिय दिलीप कुमार ने 1966 में अपनी उम्र से 20 वर्ष छोट सायरा बानो से शादी कर ली थी।